हेलो हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी बैंक के बारे में। तो देखिए, जो हमारी साइडों पे जो बैटरी बैंक जो यूज़ होते हैं उनका क्या काम होता है और उनमें क्या करना चाहिए, कितनी उसको चार्जिंग मिलनी चाहिए, कितनी चार्जिंग होनी चाहिए जो अच्छे से चार्ज होगा, और हमको कैसे सेल बाईपास करना चाहिए, और अगर सेल बाईपास कर रहे हैं तो फिर हमें उसमें सेटिंग में क्या करना है, तो इस चीज़ के बारे में बताऊँ। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई बैटरी बैंक में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सेल ख़राब हो जाता है, उसको बाईपास करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो जिनको सेट नहीं करते हैं और उसकी वजह से पूरा बैटरी बैंक ख़राब हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए उस चीज़ के बारे में बताऊँगा और ये काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी और सबके फ़ायदे के लिए रहेगी, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपका कोई बैटरी बैंक ख़राब नहीं होगा, कोई ऐसी आपसे गलती नहीं होगी कि जिससे कि आपका कोई बैटरी बैंक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं हम बैटरी बैंक की तरफ और बताता हूँ मैं बैटरी बैंक में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए और बैटरी बैंक का क्या काम है। तो ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटरी बैंक है, आउटडोर रैक है, ये हमारा आउटडोर का पावर प्लांट है, एक्सजीकॉम का पावर प्लांट लगा हुआ है। तो हम आज केवल इस वीडियो में केवल बैटरी बैंक की ही बात करेंगे। ठीक है, तो बैटरी बैंक देखना, ये वाला जो बैटरी बैंक है हमारा अमर राजा का बैटरी बैंक है और जो इसकी कैपेसिटी है वो 600 AH का बैटरी बैंक है, यानी कि AH का मतलब है एम्पियर हावर। ठीक है, तो 600 AH का मतलब ये होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, अगर किसी भी साइट पर अगर नया बैटरी बैंक आ रहा है और आपको इंस्टॉलेशन करना है तो साथ में संग में और उसका मैनुअल आता है जिससे कि हमें सीरीज का पता चलता है कि किस तरीके से इसका सीरीज डिज़ाइन किया हुआ है कंपनी ने। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले उसको मैनुअल को चेक करिए, आप देखिए उसको, समझिए और उसी तरीके से इसको इंस्टॉलेशन करिए। तो देखिए इंस्टॉलेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपको इसमें जो रिंच लगाना है तो उसको इंसुलेट कर देना है। ठीक है ना, जिससे कि आपका कहीं पे भी जो रिंच है दूसरे जॉइंट पे टच ना हो, शॉर्ट ना हो कोई भी सेल। ठीक है, तो सावधानी से करना है, बहुत सावधानी से सेल को मतलब इनको टाइट करना है जिससे कि कोई भी जो रिंच है आपकी शॉर्ट ना हो। तो देखिए अब हम बात करेंगे, इंस्टॉलेशन का बता दिया है मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगर 600 AH का बैटरी बैंक है आपका, ये भी मैंने पहले आपको बताया हुआ, जो इसको चार्जिंग देते हैं वो 10% से देते हैं, यानी कि अगर 600 AH का बैटरी बैंक है तो उसको 60 एम्पियर से हमें चार्जिंग देनी होगी, जिससे कि अगर चार्जिंग टाइम होगा अगर 60 एम्पियर से अगर पूरा आपका बैटरी बैंक है तो 9 से 10 घंटे लगेंगे उसको चार्ज होने के लिए। ठीक है, 10% से अगर चार्ज होगा। और दूसरी बात यह है, अगर बैटरी बैंक आपका पुराना है और उसमें अगर कोई एक सेल ख़राब हो जाता है, तो एक सेल ज़्यादातर मैंने साइडों पे देखा है, सेल ख़राब हो गया बिल्कुल या ओपन हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, बैकअप नहीं आ रहा उस सेल को लगाने से, तो टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं, उस सेल को निकाल देंगे और सेल को बाईपास कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको ये करना है, जो हमारा पावर प्लांट होता है जिसके फ्लोट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज होते हैं, अगर बैटरी बैंक एक कनेक्ट है पावर प्लांट में, तो उस कंडीशन में ये करना है, अगर आप कोई सेल बाईपास कर रहे हैं तो सेल जब आप बाईपास कर दो तो उसके बाद में फ्लोट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज भी सेल के फ्लोट वोल्टेज के हिसाब से कम कर देना। ठीक है, जैसे फ्लोट वोल्टेज 52 सेट है, ठीक है, तो एक सेल का फ्लोट वोल्टेज देख करके तो 2.25 जो भी आपका फ्लोट वोल्टेज आए उसको कम कर देना है, बूस्ट वोल्टेज को भी सेम ऐसे ही कम कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके बैटरी बैंक को अगर आप एक सेल बाईपास कर देंगे, एक सेल बाईपास करने के बाद में जब आप चार्जिंग को कम नहीं करेंगे तो पूरे बैटरी बैंक को 2 वोल्ट जो 2 वोल्ट 2.7 लगभग इतने वोल्ट इसको ज़्यादा मिलेंगे, उससे क्या होगा, हमारा बैटरी बैंक हीट होगा और जो भी जितने भी हमारे 23 सेल बचेंगे वो हीट होने के कारण सब खराब हो जाएंगे। इस वजह से ध्यान नहीं देना, सबसे पहली बात ये ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगर साइड पे हमारे पे 2 बैटरी बैंक है, यानी कि कोई भी कंपनी के हो, तमाम कंपनी बना रही है, ठीक है, तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। अगर आपकी साइडों पे 2 बैटरी बैंक है और उसमें से एक बैटरी बैंक में से एक सेल खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है, जो जिस बैटरी बैंक का एक सेल ख़राब हुआ, या तो उसको देख करके या परचेज हो जाए कहीं पे या कहीं से मिल जाए, कहीं एक्स्ट्रा पड़ा हो किसी साइड पे, तो उसको सेल को तुरंत लगा दें क्योंकि बाईपास ना करें।
और अगर आपको बाईपास करना है तो एक बैटरी बैंक का दूसरे वाले बैटरी बैंक का जो सेल भी आपको निकालना होगा, जिससे कि आपको फ्लोट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज कम कर देने होंगे, जिससे कि हमारा बैटरी बैंक सेफ बना रहे, ये करना है। ठीक है ना दोस्तों, आप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आप ये करेंगे कि आपने एक सेल बाईपास कर दिया है, ना तो उसको चार्जिंग मिल पाएगी तुम्हारे बैटरी बैंक को, उसको सही चार्जिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ये उसको चार्जिंग देने नहीं देगा। और जिस बैटरी बैंक का आप सेल बाईपास करेंगे उसको 2 वोल्ट 2.7 के लगभग वोल्ट ज़्यादा मिलेंगे, तो उससे ओवरहीट होगा, ना तो वो चार्ज होगा और ये चार्जिंग इतनी लेगा कि ओवरहीट होगा, ज़्यादा चार्जिंग मिलेगी। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे बैटरी बैंक का भी आपको डिस्कनेक्ट करना होगा, जिससे कि आपका फ्लोट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज कम हो जाए और जिससे कि आराम से बैटरी बैंक हमारा अच्छे से बैकअप देता रहे। ठीक है ना, अगर आपके पास में सेल है कहीं पर किसी भी साइड पर एक्स्ट्रा, तो या फिर उस सेल को डाल दें, जिससे कि चार्जिंग प्रॉपरली मिलते रहे और बैटरी बैंक चलता रहे। बैटरी बैंक का देखना, जैसे अगर आपको पीएम करना है तो उसमें क्या क्या करने होते हैं, जो भी हमारी सीरीज जुड़ी होती है। देखिए एक बात बता दूं मैं, जो बैटरी बैंक होता है हमारा वो सीरीज में लगा हुआ होता है। ठीक है, सीरीज में और पैलर में क्या मतलब है, क्या अंतर है? पैलर का मतलब होता है किसी चीज़ को निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ना होता है, उसका हो गया पैलर। और सीरीज का क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, जिससे कि हमें वोल्ट ज़्यादा बनाने होते हैं। अगर कोई भी बैटरी बैंक है, अगर हमारा जैसे 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है, 24 सेल लगे, ये सीरीज में एक बैटरी बैंक हो गया। दूसरा बैटरी बैंक आपका फिर 48 वोल्ट का, उसको कनेक्ट करना, तो वो पैलर में कनेक्ट होता है। हमारा जो पावर प्लांट होता है वो भी पैलर में ही कनेक्ट होता है, क्योंकि हम सीरीज में बैटरी बैंक करेंगे नहीं, 48 के डबल वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो सीरीज होती है हमारी, सीरीज ये सीरीज में क्यों जुड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल कर देते हैं, कोई कैसे भी सवाल कर देता है। सीरीज में ये इसलिए जुड़ा है क्योंकि एक सेल हमारा 2 वोल्ट का है, और 2 वोल्ट के बाद में जब हम 23 सेल को सीरीज में करेंगे, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 से जैसे 24 को करेंगे, 24 दूनी 48, यानी कि हमें 48 वोल्ट लेने होते हैं, जो हमारे सिस्टम को चाहिए होते हैं 48 वोल्ट, तो उसके लिए 48 वोल्ट हमें अपने सिस्टम में देने होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सीरीज में जोड़ना होता है। अगर हमारा कोई 12 वोल्ट की बैटरी है और हमें केवल हमारे सिस्टम को भी केवल 12 वोल्ट ही चाहिए और हमें उसमें 4 बैटरी लगानी, तो हमें उसमें पैलर में लगानी होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमें क्या क्या करना चाहिए। और पीएम की बात बताऊं मैं, पीएम में अगर आप कर रहे हैं, या मंथली में, या महीने में, डेढ़ महीने में, 2 महीने में, ठीक है, वैसे तो मंथली देख लेना चाहिए, क्योंकि जो भी नट्स हैं इसके, उनको एक हल्के हल्के टाइटिंग देखने की, प्रॉपरली टाइट है ये, किसी ने लूज तो नहीं कर दिए हैं। ठीक है, इस वायर को चेक कर लेना, जो इनपुट वाली, जो हमारी निगेटिव पॉजिटिव वाली वायर है, ये हीट तो नहीं हो रही है। ठीक है, लोड के हिसाब से, और जो भी मैंने आपको बता दिया है बैटरी बैंक का, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि अगर हमारा बैटरी बैंक 600 एच का है, या 300 एच का है, 400 एच का है, और अगर लोड उस पर 10% का है, कि बैकअप कितना देगा, तो आप बैकअप भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जितनी कैपेसिटी 600 एच और डिवाइडेड बाई लोड, ठीक है ना, तो उसको भी निकाल सकते हो। और जो इसका एक्यूलाइजेशन करते हैं, जैसे कहीं वोल्टेज इसका डिसबैलेंस हो जाते हैं सारे सेलों के, तो एक्यूलाइजेशन भी करते हैं, तो आप पीएम के समय पे जब आपका एक्यूलाइजेशन बिगड़ जाए बैटरी बैंक का, तो वो भी चेक कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, और बाकी की इसकी साफ़ सफाई, ब्लोवर मार सकते हो। तो देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कहीं पर भी अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप कंपनी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बैटरी बैंक डिस्चार्ज रिपोर्ट भी दे सकते हैं, लोड भी दिखा सकते हैं कि सर मेरी साइट पे इतना है, क्योंकि वहाँ पे एक बैटरी बैंक की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वैसे आप कंपनी ज़्यादातर अभी अगर कहीं पर 100 से ऊपर लोड जाता है या 90 से ऊपर, कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड है, सबने अपना अपना रख रखा है कि कहीं से अगर 80 एम्पियर से लोड ऊपर जाएगा तब हम दूसरा बैंक देंगे, या 100 एम्पियर से ऊपर लोड जाएगा तब हम दूसरा बैंक देंगे। तो देखिए आप रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं उसमें, देख सकते हैं कि हमारा अगर 600 एच का बैटरी बैंक है, तो अगर 10% लोड है तो 60 एम्पियर होना चाहिए, और अगर 15% लोड है तो 90 एम्पियर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी देख के और अपने सीनियर जो सीनियर हैं उनको बता सकते हैं कि सर मेरी साइड पर एक बैटरी बैंक की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए ये मैंने बताया है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।